अगर आपके क्षेत्र में केवल मेंसुरेशन कंप्लीट हो गई तो यकीन मानिए आपका हर एग्जाम में 2 नंबर कम से कम आपके पक्के हो गए। यहाँ पर अभी हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आज हम स्टडी करते हैं क्षेत्रमिति की। मेंसुरेशन, जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति हर एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ाई करते हैं क्षेत्रमिति की, मेंसुरेशन, इसके बारे में जानते हैं कि क्षेत्रमिति में क्या क्या आता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्षेत्रमिति में आता है आयत से संबंधित क्वेश्चन, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन, चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते होंगे, दीवारों का, दीवारों का क्षेत्रफल वगैरह, इससे दीवारों से संबंधित क्वेश्चन, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं किसमें, क्षेत्रमिति में। और इन्हीं क्वेश्चन से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन कंप्लीट हो गई तो यकीन मानिए आपका हर एग्जाम में 2 नंबर कम से कम आपके पक्के हो गए यहाँ पर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, आयत के बारे में, राइट। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर हमें फाइट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें कुछ फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप डीपली जाएंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हमें फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन हल करना पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे आते हैं आयत की परिमिति। ये क्या होता है आयत की परिमिति? आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, राइट। ये होता है आयत की परिमिति का फॉर्मूला। फिर इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का ये जो बीच से जो लाइन आती है इसको विकर्ण बोलते हैं, राइट। अब विकर्ण बात करते हैं आयत का, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इस तरीके से हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं, राइट। तो अब इसी से संबंधित हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि एक आयताकार प्लॉट है जो कि 80 × 50 मीटर आकार का है। एक आयताकार क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ इसको हल करने के लिए। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी 80 × 50 मीटर का आकार है, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकार है, इस आयत को क्या करना है, तारों से घेराबंदी करना है। यदि घेरे के खंभे को, अब इसके तारों से घेरे करना, उन्होंने कहा कि अगर इस घेरे के जो खंभे हैं उस एक खंभे से लेकर दूसरे खंभे के बीच की दूरी कितनी हो, मात्र 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो इसमें आयत में टोटल कितने खंभे लगेंगे ये हमें यहां ज्ञात करना है। खंभों की संख्या बराबर आयत की परिमिति डिवाइडेड बाय 2 खंभों के बीच की दूरी। अब इसमें हमें आयत की परिमिति चाहिए, तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, राइट। अब 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी दी हमारे लिए, 5, 2 खंभों के मीटर हमने यहां 5 मीटर लिख दी। अब यहां 2 × लंबाई कितनी है, 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है 50 मीटर, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको 2 × 80 × 50 कितना होगा, 130 डिवाइडेड बाय 5, इसको इससे हम डिवाइडेड कर देते हैं, 5 × 10, 5 × 1 = 30, 26 × 52। तो खंभों की संख्या क्या निकल के आ गई आपकी, 52 इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या था कि एक आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल है 80 × 50 वर्ग मीटर है, 80 इसकी लंबाई है और 50 इसकी चौड़ाई मीटर है, राइट। इस खेत एक खेत को क्या करना है, वायर करना है, और इसमें हर 5 मीटर पे आपको एक खंभा गड़ाना है 5 मीटर के अंतराल के हिसाब से। अब आपको कितने खंभे इसमें लगेंगे ये आपको ज्ञात करना था। तो इसके लिए खंभों के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, आयत की परिमिति डिवाइडेड बाय 2 खंभों के बीच की दूरी। तो परिमिति क्या होती है, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। अब ये 2 हो गया, 80 इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई इसकी 50 हो गई, और खंभों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 5। अब यहाँ आपको
टू का टू है, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, वो 5 से डिवाइडेड करेंगे 26 आ जाएगा, और 26 और इनटू 2 कितना हो गया 52, तो 52 क्या हो गया आपका आंसर हो गया है। एक आयताकार खेत है राइट, इसकी लंबाई जो है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये क्या बोल रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई से 3 गुना है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई का 3/4 है, 3/4 है, ये ही आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद क्या करना है इसमें, तो यदि खेत का क्षेत्रफल कितना हो 588 वर्ग मीटर है, यदि खेत का क्षेत्रफल कितना बोल रहा है, इसका आयत का आयत जो आयताकार खेत है इसका क्षेत्रफल कितना है 588 वर्ग मीटर, 588 वर्ग मीटर है राइट, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या है, तो आपने क्या निकालना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं है स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप और पढ़ लीजिए। हमें क्या करना है, एक आयताकार खेत है जिसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3/4 है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 588, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस निकालना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई कितना हुआ x है, तो लंबाई इक्वल टू कितना हो गया x इंटू 3/4, दोनों का अनुपात अगर निकालने जाते हम x इंटू x 3/4 इंटू x, ये इनका अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का। अब इसको हम यहां कर देते हैं, कितना हो गया 4x अनुपात 3x, 4x अनुपात 3x के अनुपात में इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालते हैं राइट, तो क्षेत्रफल क्या बोलता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या बोलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई राइट। अब लंबाई क्या है 4x, चौड़ाई कितना है 3x, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है 588, 588 वर्ग मीटर है, और लंबाई 4x इंटू 3x, चौड़ाई हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इससे और हल करते हैं आगे, तो इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो गया 12x स्क्वायर, और 12 को यहां से हम नीचे डिवाइड कर देंगे तो 588 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से काट दीजिए आप, अगर 12 से भी काट देंगे आपको, 12 चौको 48, 12 5 60 ज्यादा रहो, 12 चौको 48 राइट। अब कितना बचा यहां 10, 108, 108 12 से काटो, 12 नंबर 108 राइट, तो 12 नंबर 108 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108, तो x इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 49, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 वर्ग मीटर, x की वैल्यू निकल के आ गई 7 वर्ग मीटर। अब हम x की वैल्यू निकाल ली, तो अगर लंबाई चौड़ाई को देखें हम, तो 4 इंटू 7 अनुपात 4 × 7 अनुपात 3 × 7, ये इनका लंबाई चौड़ाई का अनुपात आ गया, तो 28 अनुपात 21 के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 28 में से 21 गए, तो कितना बचा डिफरेंस 7, तो ये इनका डिफरेंस हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 7। आयताकार मैदान है, इसकी एक भुजा 5 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है राइट, 13 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए यहाँ आपको एक और नया फॉर्मूला मिलने वाला है, अभी हमने विकर्ण निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो क्या था अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब हम विकर्ण निकालने के, विकर्ण तो निकाल सकते हैं, अब एक भुजा हमारे लिए दी है, दूसरी भुजा हमारे लिए निकालना है, तो दूसरी भुजा के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस एक जो भुजा दी है उसका स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसकी क्या दूसरी भुजा भी निकाल लेंगे, तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी अंडर रूट 30 का हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे 169 हो जाएगा, माइनस एक भुजा 5 का 25 इसको कर देंगे, ये कितना बचा 144 राइट, हाँ 144, तो इसको हम अगर इसका वो निकालेंगे रूट तो कितना जाएगा 12। अब दूसरी भुजा हमारे लिए कितनी आ गई यहां 12 मीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, अब लंबाई कितनी है यहां 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, तो कितना हो गया यहां 12 × 5 = 60 मीटर। और हुए समाप्त सारे आयत के क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वर्ग के कुछ क्वेश्चन।
अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है आई से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करके भेजिए, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास भेजेंगे। आप क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।